मुर्दाबाद। पूरे तरीके से खत्म हो गया भाई सौरभ जोशी का करियर, एकदम से तबाही। उसको शायद अभी ना उत्तराखंड से लात मार करके बाहर निकाल देंगे। ये देखो कहना क्या है, उत्तराखंड के सरकार का कहना क्या है, छटांग भर का यूट्यूबर, उसकी हरकत देखो। सौरभ जोशी ने इतनी बड़ी गलती कर दी है कि लोग उसके पुतले को जला रहे हैं। जरा ये देखिए, लोग सौरभ जोशी के पुतले को जला करके सौरभ जोशी के नाम का मुर्दाबाद का नारा लगा रहे हैं। आप इस वीडियो में देखिए। जोशी मुर्दाबाद, जोशी मुर्दाबाद। जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा, सौरभ जोशी के पुतले को लोग जला करके, उसके पुतले को लगा करके, आग लगा करके बोल रहे हैं सौरभ जोशी मुर्दाबाद, सौरभ जोशी मुर्दाबाद। उत्तराखंड में काफी ज्यादा रोष है, काफी ज्यादा क्रोध है सौरभ जोशी के लेकर के। अगर आज कहीं वो ब्लॉग बनाने वीडियो बाहर निकल जाने तो लोग उसको पकड़ पकड़ के मारेंगे। अब ये सोचिए कि सौरभ जोशी ने क्या इतना बड़ा हंगामा कर दिया। आपके मन में आ रहा होगा कि सौरभ जोशी ने किया क्या है, आपको मैं यहां पर बताता हूं। ये देखिए, यहां पर मैं नहीं बोल रहा हूं, यहाँ पर उत्तराखंड की सरकार बोल रही है, उत्तराखंड के लोग बोल रहे हैं। जो उत्तराखंड के लोग सौरभ जोशी को इतना प्यार दे रहे थे, वही उत्तराखंड के लोग अब सौरभ जोशी के पुतले को जला रहे हैं। यानी कि सौरभ जोशी ने बहुत बड़ा कांड कर दिया भाई, बहुत बड़ा कांड कर दिया। वो कांड क्या है यहाँ पर जरा देख लीजिए। मैं सौरभ जोशी को आपके, सौरभ जोशी को एक चैनल पर मैं आपको लेके चलता हूँ। यहाँ पर मैं सौरभ जोशी का चैनल ओपन करता हूँ, SOU सौरभ जोशी ब्लॉग। अब इनके चैनल पर यहां पर मैं आ गया हूं। अब जैसे ही मैं इनके चैनल को ओपन करता हूं, अभी आप इनकी वीडियो को देखिए, 9 घंटे पहले डाले हैं, 2.1 मिलियन व्यूज गया है। जहां पर इनकी वीडियो पर 5-5, 6-6 मिलियन व्यूज जाते थे, उसी टाइम से देखिए इनके चैनल पर व्यूज के एकदम से घटन होने लगा, यानी कि व्यूज एकदम से कम आने लगा, लोग नफरत करने लगे हैं। मैं यहां पर लेके चलता हूं आपको आज से 6 दिन पहले, जब 6 दिन पहले इन्होंने अपने चैनल पर वीडियो अपलोड किया, इंपॉर्टेंट मीटिंग विद पुलिस। इस वीडियो को मैं ओपन करता हूं। इस वीडियो को ओपन करने के बाद यहां पर सिंपल से दिख रहा है कि सौरभ जोशी अपना नॉर्मल तरीके से अपने ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। लेकिन यहां पर जरा ध्यान दीजिए, मैं आपको थोड़ा सा फॉरवर्ड करता हूं, आगे बढ़ाता हूं, इस वीडियो को मैं आगे लेके चलता हूं। जरा सा ध्यान से देखते रहिए, इस पार्ट पे 55 सेकंड वाले पार्ट से यहां पर सौरभ जोशी की गलती स्टार्ट हुई है। जरा सुनिए आप, जो भी इंटरेस्टेड है, मैं यूथ को तो बोलूंगा, जितने बच्चे देख रहे हैं वो ध्यान से सुनना, जो भी बातें बताएंगे वहाँ पे, जो भी बातें मुझे खुद से लेंगे, तो हाँ मतलब मुझे काफी अच्छा लग रहा है कि यार मतलब पूरे उत्तराखंड कुमाऊं के जो मेन पुलिस है, जो मेन DIG है सर, उन्होंने मुझे इन्विटेशन दिया भाई, तो बहुत बड़ी बात होती है यार। तो हाँ मतलब काफी अच्छा लग रहा है, बिकॉज मेरी वीडियोज के थ्रू लोग उत्तराखंड को जान रहे हैं, लोग हल्द्वानी को जान रहे हैं। हल्द्वानी को पहले कोई नहीं जानता था, लेकिन हल्द्वानी को अब हर कोई जान रहा है, ट्रेंडिंग में रोज हल्द्वानी रह रहा है, उत्तराखंड रह रहा है, हमारा इंडिया रह रहा है। मतलब ये कह रहे हैं कि उत्तराखंड हल्द्वानी को इनके थ्रू जाना जाता है। वाह भैया, तुम्हारी बुद्धि जो है तुम्हारा घुटने में था, नीचवा घुटने में था, जो तुम इस तरह से बोल रहे हो। मतलब ये कह रहे हैं कि बाप को इन्होंने ही पैदा किया है। वाह भाई, तुम इतने बड़े हो गए हो, इतने घमंडी हो चुके हो कि तुम क्या बोल रहे हो, तुम्हारे मुंह से क्या निकल रहा है, तुमको कुछ समझ में नहीं है। ठीक है, एक कोई लप्पड़ लगाने वाला होता ना, तुमको सही हो जाते। ठीक है, लेकिन ये जाने से पहले, अगर ये जाने पुलिस से जिसे आप मीटिंग करने जा रहे थे, हो सकता है कि अगर वो लोग भी इस वीडियो को देख लेते ना, तो वो आपको धक्के मार करके बाहर निकाल देते, मीटिंग नहीं लेते। यहाँ पर इसका थंबनेल आप देखिए, इस वीडियो का थंबनेल है, यहाँ पर ये पुलिस के साथ में बैठे हुए। अगर इन लोगों को इनकी जो बातें हैं, जो इन्होंने स्पीच दिया था वीडियो में, पहले ही पता होती तो पुलिस इनको धक्के मार के भगा देती। अब एक बात सोचिए कि जितने लोगों ने इनको सब्सक्राइब कर करके इनको आगे बढ़ाया था, पूरे उत्तराखंडवासी इनको सब्सक्राइब करके पूरा पॉपुलर बनाए थे, उनको ये बोल रहे हैं कि इन मेरी वजह से पूरे उत्तराखंड को लोग पूरे इंडिया में जानने लगे हैं। अरे बेवकूफ, अरे मद्दीप दिमाग, उत्तराखंड एक ऐसा प्लेस है ना कि जिसको पूरी दुनिया जानती है, इंडिया नहीं पूरी दुनिया जानती है उत्तराखंड को। ठीक है, उत्तराखंड हरिद्वार पूरी दुनिया जानती है, और तुम बोल रहे हो कि तुम्हारे कहने से, तुम्हारी वजह से पूरे हल्द्वानी को लोग जानने लगे हैं। इतना ही नहीं भाई, जरा यहाँ पर आप ध्यान से सुन लीजिए, इनका इतना ज्यादा एटीट्यूड बढ़ गया, इतना ज्यादा एटीट्यूड बढ़ गया है कि मैं आपको क्या बताऊं। अब ये सिंपल से जितने भी जो ये ब्लॉग वीडियो बनाते हैं, हमारे जितने भी छोटे यूट्यूबर, जितने भी बड़े जो स्ट्रगलर वाले हैं ना, इनसे कहीं ज्यादा, कहीं लाख गुना इनसे अच्छे वीडियो बनाते हैं, लेकिन इनकी वीडियो में लाखों करोड़ों व्यूज आते हैं। क्यों भाई, आखिर ये कौन सा ऐसा तीर मार दे रहे हैं कि इनकी वीडियो में मिलियंस में व्यूज आ रहे हैं, और इनकी वीडियो से आपको सीखने को क्या मिल रहा है, घंटा कुछ सीखने को मिल रहा है। हमेशा ये देखो, मम्मी को डरा दिया, रिएक्टिंग माई ओल्ड फोटो विथ पीयूष एंड साहिल 4 मिलियन व्यूज। ठीक है, क्रिसमस शॉपिंग इन दिल्ली 3.4 मिलियन। भाई शॉपिंग कर रहे हो तुम, मजे उड़ा रहे हो तुम, लोग देख रहे हैं, हमको तो ये नहीं समझ में आता ससुरा इसकी वीडियो को इतना लोग देखते क्यों। देखो मेरा हेट सौरभ जोशी से नहीं है,
मेरा हेट उससे है जो थोड़ा पॉपुलरिटी पाने के बाद अपने आप को भगवान समझने लगते हैं। अब तो मैं ही भगवान हूं। भैया आप मिलियंस में सब्सक्राइबर पहुंचे हुए हो ना, हम जैसे लोगों की वजह से, जो भारत के ऐसे सच्चे लोग हैं जो आपके चैनल को सब्सक्राइब किए हुए, जो आपके चैनल को आगे बढ़ा हुए हैं। यहाँ पर देखिए सौरभ जोशी की एक क्या बोलते हैं, एक वही है पेज है, उस पेज पर वीडियो अपलोड की गई है और ये न्यूज वाले हैं। न्यूज वाले यहाँ पर देखिए किस तरह से मजाक उड़ा रहे हैं। नहीं जानता था पहले कोई, मैंने दिला उत्तराखंड को पहचान। अब इस वीडियो को जरा आप सुन लीजिए। अच्छा सुनो प्रीति, तुम्हें पता है हल्द्वानी कहाँ है? बिल्कुल पता है, उत्तराखंड में। लेकिन तुम पूछ क्यों रहे हो? अरे मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि हमारी यूट्यूबर है सौरभ जोशी, तुम जानते हो उसे? नहीं मैं पहली बार नाम सुन रही हूँ। जो यूट्यूबर सौरभ जोशी है उन्होंने कहा है कि उनकी वजह से लोग हल्द्वानी और उत्तराखंड को जानते हैं। अच्छा हाँ, तो इसकी वजह से अब पूरे उत्तराखंड में बवाल मच गया क्योंकि सौरभ जोशी ने बोला है कि हल्द्वानी और उत्तराखंड को उनकी वीडियो के जरिए लोग जान रहे हैं, क्योंकि हल्द्वानी का इतिहास, उत्तराखंड का इतिहास आप सभी जानते हैं। तो अब हल्द्वानी में जो बवाल मच रहा है, पूरे उत्तराखंड के लोग जो गुस्सा जाहिर कर रहे हैं, उसकी तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा और लोग क्या क्या बोल रहे हैं वो भी मैं आपको इस वीडियो के जरिए दिखाऊंगा। ये यूट्यूबर सौरभ जोशी हैं, चर्चित हैं। ठीक है, अभी आपने देख लिया पूरे शहर में चर्चा मचा हुआ है और लोग तरह तरह के इनको गालियां बहुत तंज कस रहे हैं। यहाँ पर देखिए अंकल लोग क्या बोल रहे हैं। बद्रीनाथ है, केदारनाथ है, गंगोत्री यमुनोत्री यहाँ पर है, तमाम धाम है यहाँ पर से। और हल्द्वानी तो विशेष तौर से आज से नहीं, 500 साल पहले से हल्द्वानी में है। अंग्रेजों ने उस समय यहाँ रेलवे स्टेशन बनाया जाता है, काठोदाम का वर्ल्ड का सबसे बढ़िया स्टेशन माना जाता है, हिल स्टेशन का। इससे देखो नए बच्चों को इतने उत्साह में बयानबाजी नहीं करनी चाहिए, ये किसी इतिहास को पलटने की बात है। और यूट्यूबर से थोड़ी कोई पहचान होती है, यूट्यूबर तो खाली एक वो है बनाने का। मैं तो ऐसे बयानों को बहुत आशात्मक मानता हूँ और बच्चों को ऐसे बयान देने भी नहीं चाहिए। अब कहीं ना एक चीज याद रख लीजिए, अब कहीं ना कहीं यूट्यूबर के लिए एक माइनस पॉइंट हो गया है कि भाई यूट्यूबर आलतू फालतू होते हैं। इन्होंने पूरे यूट्यूबर की जात पर दाग लगा दिया है। ठीक है, एक हम लोग हैं जो कुछ ना कुछ लोगों को सिखाते हैं और एक ये भाई साहब हैं जो ऊट पटांग की हरकतें दिखा करके मिलियंस में व्यूज लेके जा रहे हैं, लाखों करोड़ रुपए कमा रहे हैं और इसके बाद जोश में आकर के बोल दे रहे हैं कि हल्द्वानी उत्तराखंड को तो हमारे द्वारा जाना जाता है। भैया तुम अपने बाप को ही पैदा कर दियो, ठीक है, तुम अपने बाप को ही पैदा कर दियो। आज 500 साल से हल्द्वानी को जाना जा रहा है, उत्तराखंड को जाना जा रहा है और तुम बोल रहे हो कि तुम्हारी वजह से जाना जा रहा है, लोग वहां पर धाम दर्शन करने जा रहे हैं और भैया उत्तराखंड को सौरभ जोशी के द्वारा जाना जाता है। यार कितना बेतुका यार भाई, मतलब बोलने से पहले तुम ये भी नहीं सोचे हो। मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ इस बात का लगा है भाई, सबसे ज्यादा बुरा इस बात का लगा है कि अब एक यूट्यूबर का जो नाम होता है ना कि भाई यूट्यूबर, जो सबसे पहले तुम बोले जाते थे कि भाई सबसे बड़े यूट्यूबर हो, कहीं ना कहीं उस नाम को दाग लग चुका है। मुझे तुमसे कोई शिकवा गिला नहीं है, कोई भी शिकवा गिला तुमसे नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं यूट्यूबर के नाम को दाग लग गया है और यूट्यूबर को क्रिटिसाइज अब किया जाएगा कि भाई अरे यार यूट्यूबर था। अब कोई बोलेगा यूट्यूबर बनो तो सबसे पहले ना बोला जाएगा कि ब्लॉगर वाला मत बनाई, तू इतना घंटा काम करता है। और भी सुन लेते हैं आगे। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है उत्तराखंड के लिए क्योंकि उत्तराखंड तो सदियों से चला आया प्रदेश है, यहाँ पर पांडव भी यहाँ पर आए हैं, यहाँ पर तमाम शिव जी का वास है। अहो कहते हैं कि हमारी वजह से पहचान हो रही, तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और ऐसे बयान नहीं देने चाहिए, इसकी निंदा की जानी चाहिए। सौरभ जोशी अगर कहीं ब्लॉग वीडियो बनाने निकलेंगे ना, मैं पक्का बता रहा हूँ, तो जूते से मार खाओगे भाई अगर ये वीडियो देख रहे हो तो। ठीक है, जूते से मार खाओगे तुम्हारी इस हरकत की वजह से, और पढ़ना भी चाहिए तुम्हें जूते की मार। सौरभ जोशी तुम्हें जूते की मार पढ़ना चाहिए क्योंकि उत्तराखंड भारत का वो अभिन्न अंग है जहां पर शंकर भगवान को पूजा जाता है, जहां पर ऐसे ऐसे तीर्थ स्थल, ऐसे ऐसे मतलब भाई यू मतलब मैं क्या बताऊं यार भाई, मैं अभी मेरे पास अब शब्द नहीं है क्योंकि आपने भारतवासियों के दिल पर चोट आपने किया हुआ है और एक एक यूट्यूबर का नाम आपने गंदा किया है। जितने लोग आपको देखते थे उतने लोगों को आपने गलत मैसेज दिया है। 1 मिलियन 2 मिलियन आपकी वीडियो को देख लिए, 4 मिलियन आपकी वीडियो को देख लिए, मतलब 40 लाख लोग देख लिए। 40 लाख लोगों में कितने बच्चे होंगे जो ये जानते होंगे कि यार भाई उत्तराखंड तो कोई जानता ही नहीं था। घर में जाके पूछेंगे मम्मी उत्तराखंड को सच में सौरभ जोशी ने नाम दिया है क्या? अब उत्तराखंड का नाम हटा करके सौरभ जोशी खंड लिख देना चाहिए थे, है ना? सौरभ जोशी खंड लिख देना चाहिए था उत्तराखंड का नाम हटा करके। वाह यार भाई तुम तो कमाल करते हो, कमाल करते हो यार भाई। अभी क्या बोलो यार भाई, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।
भाई गजब गजब के ऐसे ऐसे यूट्यूबर आ रहे हैं, कमाल है भाई। कुछ सिखाने के अलावा मैं कुछ ऐसी भी वीडियो बनाता हूँ जो आप लोगों को नॉलेज बढ़ाने हैं, ठीक है, नॉलेज बढ़ाएगी, और ऐसी वीडियो लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसलिए वीडियो को लाइक सब्सक्राइब, चैनल को लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना, कॉमेंट जरूर करना, ठीक है, चलिए।